को लेकर झारखंड में भी सरगर्मी बढ़ी। बिहार के महागठबंधन में शामिल हो सकता है जेएमएम, ये जानकारी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच एक राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने इसकी जानकारी दी है। झारखंड आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह का भी बयान सामने आया है। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के रिश्ते काफी बेहतर है, ये उन्होंने कहा है। दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत का झारखंड आरजेडी स्वागत करती है। झारखंड मॉडल के आधार पर बिहार में भी महागठबंधन एनडीए को शिकस्त देगी। तो देखिए किस तरीके से बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी सरगर्मी झारखंड में भी पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जेएमएम भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है और इसको लेकर एक राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले पर बता रहे हैं आपको। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे रेसिडेंट एडिटर मनीष मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी सरगर्मी झारखंड में साफ तौर पर नजर आ रही है, क्या महागठबंधन का हिस्सा जेएमएम बनेगी बिहार में? देखिए, इसको लेकर के एक राउंड की बातचीत हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच हो चुकी है और इसकी खुद जानकारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव है विनोद पांडे, उन्होंने भी बिहार झारखंड को दी है प्रीति। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने देखा था कि इससे पहले जब झारखंड को लेकर के महागठबंधन बनाने की तैयारी चल रही थी उस वक्त लालू प्रसाद यादव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हेमंत सोरेन के घर पर जब तमाम महागठबंधन के घटकों के तमाम शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी और सीटों को लेकर के पेच फंस गया था, उस वक्त तेजस्वी यादव नाराज होकर के हेमंत सोरेन के घर से चले गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे तक नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद सीटों को लेकर के तालमेल हुआ और आज महागठबंधन की सरकार में आरजेडी की शामिल है। मनीष जी, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जुड़ चुके हैं। अभय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। सर, क्या बात पक्की है कि महागठबंधन का हिस्सा जेएमएम होने जा रहा है बिहार में, और कितनी सीटों पर जेएमएम महागठबंधन में यहाँ पर सीट चाहती है चुनाव लड़ने के लिए बिहार में? देखिए, महागठबंधन का नेता है हमारे तेजस्वी जी, नेता प्रतिपक्ष जी, वही तय करेंगे कि महागठबंधन का पार्ट कौन कौन बनेंगे। एक राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, ये भी कहा जा रहा है? नहीं, जो कहा जा रहा है जी, विनोद पांडे जी द्वारा कहा जा रहा है कि एक राउंड की वार्ता हुई है और हम जानते हैं कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत जी और नेता प्रतिपक्ष जी बिहार माननीय तेजस्वी जी का जी काफी अच्छा संबंध है। अभय सिंह जी, महागठबंधन जी जी, जिस तरह झारखंड में जी महागठबंधन बना करके और एनडीए सरकार को यहाँ से समाप्त किया गया और महागठबंधन बना करके ही बिहार में एनडीए को समाप्त किया जाएगा? नहीं बिल्कुल, लेकिन सर ये तो ठीक है, ये आप लोगों के अपने अपने तर्क हैं, बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बात तो चल रही होगी क्योंकि चुनाव तो बेहद करीब है अब। क्योंकि ये मामला हेमंत जी का है और ये मामला माननीय तेजस्वी जी का है, क्योंकि सीट शेयरिंग वहाँ जो है महागठबंधन का मुखिया जो है जी नेता प्रतिपक्ष बिहार माननीय तेजस्वी जी, लेकिन फिर भी किसी तरह की जेएमएम की मांग की इतनी सीटें चाहिए, कोई मांग रखी गई हो? अब जो भी मांग किया गया है ये चीज जो है जी ये चीज नेता प्रतिपक्ष ही बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो आप कह सकते हैं ना कि अगर मानिए जेएमएम कुछ मांग रखती है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, तो क्या उनकी मांगों को आसानी से मान लिया जाएगा? क्योंकि हमने झारखंड विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि आरजेडी को सीटें दी गई थी और उसके बाद यहां पर किस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसी की तर्ज पर अगर हम बात करें बिहार में तो देखिए ये टोटल जिम्मेवारी जैसे यहाँ जो है झारखंड में हेमंत जी को नेता मान करके ठीक और हम लोग महागठबंधन बना के यहाँ चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी तस्दीक है ठीक है, तो वहाँ है हमारे बिहार में
जी महागठबंधन का नेता नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी हैं। जी जी ठीक है, उन्हीं को तय करना है। बिल्कुल उन्हीं को तय करना है। अभय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी आपने सुना अभय सिंह जी को, क्योंकि जब सीट शेयरिंग को लेकर उनसे सवाल किया गया तो कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं साफ तौर पर। देखिए पूरा मामला जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के फंसा हुआ है, क्योंकि जेएमएम ने बिहार चुनाव में तकरीबन 12 सीटों पर अपनी दावेदारी की है। और जेएमएम के नेताओं का मानना है कि अगर ये 12 सीट उन्हें मिलते हैं तो, और महागठबंधन में ये 12 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरजेडी को भी यहाँ महागठबंधन में एक सीट होने के बावजूद, एक विधायक होने के बावजूद कैबिनेट में शामिल किया है। अब बिहार में जेएमएम की पकड़ अच्छी है और 12 सीट कम से कम मिलना चाहिए। इन तमाम इशू को लेकर के दोनों नेताओं के बीच में जो है बातचीत चल रही है। पहली राउंड की बातचीत काफी पॉजिटिव हुई है, ऐसा जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने दी है। कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर के अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से आरजेडी ने झारखंड के चुनाव में जो तक सीटें मांगी थी वो सीटें नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव काफी नाराज हुए थे, क्या इस बार बिहार के चुनाव को लेकर के जो महागठबंधन का स्वरूप तय हो रहा है उसमें क्या वो सलखी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा था झारखंड चुनाव में भी तेजस्वी काफी नाराज होकर के बैठक से निकल कर गए थे, लेकिन इसके बावजूद लालू यादव ने वो महागठबंधन न सिर्फ बनाया बल्कि बहुत ही हम कह सकते हैं कि स्मार्टली उसको पूरे चुनाव में कैंपेन को भी अंजाम दिया और आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। बिल्कुल मनीष जी, और ये हमें देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, जो मांग है उसे माना जाता है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर बड़ी